डीटीओ के ऊपर अवैध कमाई का आरोप लगा है। दरअसल गाड़ी नहीं पकड़ने के लिए गाड़ी के मालिक ने 4000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन फिर भी डीटीओ साहब गाड़ी पकड़ लिए। फिर क्या था, डीएम से शिकायत करने पहुंच गया गाड़ी मालिक। बताया कि डीएम साहब के जो लोग हैं उनको 4000 रुपये दिया जाता है हर महीने कि गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जब दोनों गाड़ियाँ पकड़ ली गई तो शिकायत करने पहुंचा, तो अब जो डीटीओ साहब हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि वाहन मालिक के आरोपों पर डीटीओ ने सफाई दिए, कहा कि जब कार्रवाई की जा रही है तो इस तरीके की कई शिकायतें ज़रूर सामने आएंगी जो कि निराधार है, इन बातों में कोई दम नहीं है, केवल आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पूरा मामला बिहार के कैमूर से निकल के सामने आया है, जहाँ बालू के अवैध खेल का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल यह पूरा मामला मिलीभगत का है। अधिकारी कैसे मिलकर वाहन मालिकों से अवैध जो बालू का कारोबार है वो करवाते हैं। देखिए किस तरीके से आरोप लगाने वाला युवक और सफाई देने वाले अधिकारी का बयान सामने आया है। क्या हुआ? मेरा गाड़ी दूठो कल का पकड़ लिया डीटीओ साहब, बालू लगा था। कहाँ पकड़े? कर्मा पेट्रोल पंप पास पकड़े। क्या मामला? मामला यही था कि जब गाड़ी एंट्री में था डीटीओ साहब का, ठीक है, सिस्टम 4000 रुपये पर महीना एंट्री गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं डीटीओ साहब, ठीक है। दो गाड़ी का हम कैमूर डीटीओ, दो गाड़ी का हमने एंट्री कराया था। कल जब गाड़ी पकड़ लिए गए, डीटीओ साहब को बोले, ड्राइवर भी बोला कि सर सिस्टम में विकास सिंह का सिस्टम में गाड़ी है, एंट्री में है गाड़ी नंबर इतना है। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, गाड़ी को ले जाके बंद कर दिए। हम भी जाके बोले कि सर एंट्री में है गाड़ी, सिस्टम में है। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाके बंद कर दिए वहाँ पर। गाड़ी का कितना एंट्री लेते हैं? 4000 रुपये पर महीना लेते हैं, विकास सिंह का माध्यम से लेते हैं। छः बजे शाम से 6 बजे सुबह तक। आपकी गाड़ी क्या बजे? 4:30 बजे भोर में पकड़े जी। उसके बाद मारपीट? मारपीट ड्राइवर को मारे हैं, हमको भी गाली गलौज कर रहे हैं, जाके बोले गाली गलौज हमको भी किए। क्या वो माँ को बहन को सब गाली दे रहे थे वहाँ पर कि जाओ नहीं तो चढ़ा देंगे, चक्का मर जाएगा। हाँ बताए थे। बोले कि हम कोई एंट्री नहीं जानते हैं, गाड़ी बंद करेंगे ले जाकर। हम बोले उनसे कि सर डाला बरोबर, आप ही लोग बोले हैं कि डाला बरोबर माल लेके चलो, कोई सिस्टम मान नहीं रोका। हम लोग बरोबर लेके आ रहे हैं, फिर रोक दिए उसको। बोले कि हम कोई नहीं मानते, डाला बरोबर को भी नहीं, फूल को मानते हैं। आप ले लेके बंद कर, गाड़ी चला रहे हैं 2 महीना से चला रहे, ये लेके दूसरा महीना, अगले महीना भी कराए थे, नहीं बोले थे कुछ। उनका सामने गाड़ी जा रहा था, पूछते थे गाड़ी ड्राइवर बता देता था, चला जाता था। इस महीना उठा के सीधा बंद कर दी। अब आप लोग क्या चाहते? क्या चाहते हैं? हमारा गाड़ी का जो फाइन है अपना फाइन जमा करें, हम तो यही चाहते हैं। उनका एंट्री में गाड़ी है मेरा, गाड़ी छोड़े पैसा, हाँ गाड़ी छोड़े, हमारा पैसा लिए हैं हमसे। अच्छा, इसमें कमलेश सिंह कौन है? कमलेश सिंह का ही इन लोग का देख रेख में ही होता है एंट्री। कौन कौन एंट्री लेते हैं? विकास सिंह लेते हैं, और कमलेश सिंह मान लीजिए उनका साथी में रहते हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं कमलेश सिंह? कमलेश सिंह शायद बारे का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ। ये बिल्कुल आधारहीन बातें हैं ये सब। जब हम लोग कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और कहीं से भी इन सब बातों में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।